हाय स्टूडेंट्स, मैं आदर्श कुमार आप सभी का स्टडी टू स्टडी वन चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम अव्ययी भाव समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास ठीक। तो अव्ययी भाव समास, जाहिर सी बात है अव्यय इसमें क्या है, अव्यय ना, अव्यय शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या होगा, ऐसा शब्द होगा जो खर्च ना हो। आ मीन्स नहीं, व्यय मीन्स खर्च हो, जो खर्च ना हो। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो खर्च ना हो, ऐसा एक समास है ना। अव्यय का अर्थ क्या होता है, जिसमें जो किताबी की परिभाषा है उसके अनुसार अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक के द्वारा परिवर्तन ना किया जा सके। और हम लोग अपने अनुसार समझने के लिए ये समझते हैं कि अव्यय एक ऐसा शब्द होगा जिसमें क्या होगा, वो खर्च ना हो, यानी कि जो जैसा है उसी तरह ही पड़ा रहेगा, किसी के भी साथ हो लग जाए, जैसे उप, अनु, प्रति, उप, भर ना, क्या है, एक अव्यय है। इनके अर्थ में कोई परिवर्तन, इनके लगने से अर्थ में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है ना। तो इसकी परिभाषा है, परिभाषा बराबर जिस समास में पूर्व पद, कौन सा पद, पूर्व पद क्या हो, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, क्या हो, अव्यय हो वहां वहां अव्ययी भाव समास होता है, क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है ना। अव्ययी भाव जिस समास में पूर्व पद, यानी जो हमारा पद पहला हो, क्या हो, अव्यय हो, तो वहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा ठीक। जैसे हम लिखते हैं उदाहरण में, अधि हरि, तो इसका क्या है, ये समस्त पद है, कैसा है, समस्त पद है ठीक, ये समस्त पद है और समास विग्रह, समास विग्रह ना। तो समास विग्रह हमारा क्या होगा, अधिहरि ना, अधिहरि का समास विग्रह होगा हरौ इति ना, क्या होगा, हरौ इति, अधिहर का समास विग्रह हरौ इति ना। तो इसका हिंदी में जो अनुवाद होता है, अर्थात हरि के अधीन, जो अधि लग गया ना, हरि में अधि क्या है, अव्यय लगा है, अव्यय या उपसर्ग कह सकते हैं ना, उपसर्ग क्या है, आगे लगते हैं, शब्दों के आगे उपसर्ग लगते हैं, लेकिन एक ऐसा उपसर्ग है जो लिंग, वचन और कारक के द्वारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसीलिए यह अव्यय होते हैं या निपात कहलाते हैं ना। तो इसके लगने की वजह से हरि के आगे हरव इति, यानी समास विग्रह जो बना हरव इति, और इसका हिंदी में अनुवाद होगा हरि के अधीन, क्या होगा, हरि के अधीन होगा। दूसरा है उपनगरम,
उपनगरम। ठीक, उपनगरम, उप नगरम, इसका जो समास विग्रह होगा हमारा नगर से समीपम, क्या होगा? नगर से समीपम, क्या होगा? नगर से समीपम होगा, अर्थात नगर के समीप ना, क्या होगा अर्थ इसका हिंदी में? नगर के समीप, यहाँ पर समीपता भी बतलाई जा रही है ना, तो हमारा नगर के समीप होगा। इसके भी कई प्रकार हैं, कई नियम हैं जो अव्ययी भाव समास है। ठीक, तो इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या होगा। ठीक, तो हम देखते हैं अव्यय के प्रथम नियम, अव्ययी भाव समास के प्रथम नियम। कौन सा? पहला नियम, पहला नियम है कि अव्यय विभक्ति, अव्यय विभक्ति क्या हो? अव्यय विभक्ति समीपम, समीपम समृद्धि, समृद्धि क्या हो? समीपता हो, समृद्धि बताया जा ना। विभक्ति अव्यय यानी कि जो पहला पद हो उसमें क्या है? समीपता बतलाई जाए, जो पद बने समीपता बतलाई जाए, वृद्धि बतलाई जाए, और क्या? भावत्या, यथा भावत्या, यथा जैसे भावत्या बताया जाए ना, भावात्मक बताया जाए, और क्या हो? संप्रति, प्रादुर्भाव, पश्चात इत्यादि बताए जाए। कौन से? संप्रति, संप्रति प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव संप्रति हो, प्रादुर्भाव हो। ठीक, पश्चात हो, क्या हो? पश्चात हो, वहां पर क्या होगा हमारा? वहां पर अव्ययी भाव समास होगा ना। इसमें क्या हो? सादृश्यता का योग बताया जाए, पूर्व योग का योग बताया जाए, उस समय हमारा क्या होता है? हमारा उस समय अव्ययी भाव समास होता है, जहाँ पर समीपता बतलाई जा रही है, समृद्धि बतलाई जा रही है, भावत्या बतलाया जा रहा है, संप्रति बताया जा रहा है, प्रादुर्भाव यानी दुष्प्रभाव को बताया जा रहा है, पश्चात यानी कि बाद में बताया जा रहा है, और क्या है? अनुपूर्व योगे, क्या बताया जाए? अनु अनुपूर्व योगे, क्या हो? अनुपूर्व योगे, अनुपूर्व योगे। ठीक, वहां पर क्या होगा हमारा? अव्ययी भाव समास होगा। हम उदाहरण देख लें इसका। ठीक, उदाहरण क्या होगा इस विभक्त में? ठीक, आप किताब की परिभाषा जो है उस पर विशेष ध्यान मत दीजिए, हालांकि किताब की परिभाषा भी अच्छी होती है, लेकिन हमको कंपटीशन में जिस लेवल का आता है उस लेवल के अनुसार ही हमें देखना है ना, तो और क्या हो वो चीज़ हमको याद हो जानी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? अव्ययी, जो अव्ययी भाव समास है उसमें क्या हो? अव्यय विभक्ति यानी समीपता हो, जो क्या हो? अव्यय हो, समीपता बतलाई जाए, इसमें समृद्धि बतलाई जाए, यथा जैसे भावत्या बतलाया जाए, वहां पर संप्रत की भावना बतलाई जाए, प्रादुर्भाव दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाए, पश्चात के बारे में बताया जाए, पूर्व अनुपूर्व योग के बारे में बताया जाए ना, सादृश्य के बारे में बताया जाए, तो वहां पर क्या होगा हमारा? अव्ययी भाव
समास होगा। ठीक, इसका उदाहरण है, उदाहरण है, उदाहरण हमारा बनेगा, एक लिखे हम समस्त पद और दूसरा लिखें समास विग्रह। क्या लिखें? समास समास विग्रह। ठीक, तो हम लिखेंगे इसमें समस्त पद में, समस्त पद में लिखें उपकिश्रम। क्या? उपकिश्रम क्या होगा? उपकिश्रम। तो उपकिश्रम जो होगा हमारा, इसका समास विग्रह क्या होगा उपकिश्रम का? किश्रस्य समीपम। क्या होगा? किश्रस्य समीपम, यानी कि क्या है? किश्र की पास, किश्र के समीपम, यानी कि हम इसमें बताया ना आपको क्या है, समीपता बतलाई जा रही है ना, तो यहाँ पर भी आपको समीपता दिखलाई दिया कि नहीं? किश्र से समीपम यानी किश्र के समीप बतलाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है हमारा? अव्ययी भाव समास है, और जो किश्र है उसके आगे क्या लगा है? उप लगा है, उप जो उपसर्ग लगा है वो क्या है? अव्यय है ना। और दूसरा हमारा बनेगा सुभद्रम। क्या बनेगा? सुभद्रम, सुभद्रम। ठीक, तो सुभद्रम का बनेगा भद्राणाम भद्राणाम समृद्धि। क्या हो? भद्राणाम समृद्धि। समृद्धि मीन्स क्या है? सु मीन्स अच्छा, भद्रम यानी कि भद्र हो ना, वहां पर क्या होगा हमारा जो समास विग्रह होगा? भद्राणाम समृद्धि ना। अगला है, इसके बाद समास विग्रह में आप देख रहे हैं क्या कि जो बाद वाला पद है ना, पहले उपकिश्रम था, सुभद्रम था, जो भद्रम रहेगा वो क्या पहले लग जाएगा, और जो सु रहेगा उसका अर्थ क्या होता है? सु का अर्थ होता है सुंदर या समृद्धि, तो वो क्या होगा बाद में वो लग जाता है उसका अर्थ। ठीक, अगला हमारा है अनुकिश्रम। क्या है? अनुकिश्रम, अनुकिश्रम का क्या होगा? किश्रस्य पश्चात। क्या होगा? किश्रस्य पश्चात, अर्थात पश्चात मीन्स बाद में। यहाँ पर आपको हम बताए थे क्या पश्चात के लिए ना, यहाँ पर हम आपको बताए हैं पश्चात क्या हो, वहां पर पश्चात जब आए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। आप देख रहे हैं अनु, अनु का अर्थ क्या है? पश्चात से लिया जा रहा है। किश्रम, किश्र से पश्चात यानी किश्र के पश्चात यानी कि बाद में ना। अगला हमारा उदाहरण है इसके बाद अनुयोग्यम, नहीं अनुरूपम। क्या होगा? अनुरूपम ना, अनुरूपम। और रूपता के बारे में भी हम बताए हैं इसमें ना, क्या पर? अनुपूर्व के बाद क्या हो? रूपम हो। क्या हो? रूपम हो ना, रूपता की बात की जाए तो वहां पर क्या होगा? अनुरूपम का रूपस्य योगम। क्या होगा? रूपस्य, रूपस्य योगम, योगम। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ हो, जहां पर रूप का जोड़ हो ना, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, वहां पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, तो ये रहा अव्ययी भाव समास के प्रथम नियम के बारे में। ठीक, और इसके पास जो दूसरा नियम होता है उसको हम देख लें। ठीक,
हम ज्यादा उदाहरण नहीं बताते हैं क्योंकि क्या है, उदाहरण से कोई मतलब नहीं, पर मतलब ये है कि इसमें कहा क्या है, बस वही चीज हमको याद कर लेना है ना। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब वो चीज याद आ जाएगी तो हम कहीं पर भी कोई भी समास हो उसको हल कर सकते हैं ना। ठीक है, दूसरा नियम है अव्यय भाव समास का, नदीभिश्च ना, नदी कौन सा रहेगा हमारा, नदी नदीभिश्च ना। इसका जो दूसरा नियम है, जो नदीभिश्च है, इसमें क्या होता है, जहां पर क्या हो, इस समास में नदियों के पर्यायवाची हो और उसके आगे क्या हो, संख्या दिया रहे, ठीक, संख्या दिया रहे, और बाद में क्या हो, नदी की पर्यायवाची हो, वहां पर क्या होता है, अव्यय भाव समास होता है। जैसे द्योम्नम पंचगंगम ना, षट यमुनम, यमुनम क्या है, यमुना एक नदी का नाम है, उसका क्या है, समान रूपता पर्यायवाची भी है। तो क्या है, यहाँ पर हमारा अव्यय भाव समास होगा। इसकी परिभाषा है, नदीभिश की परिभाषा है, नदी विशेषवाची, नदी 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 विशेषवाची क्या हो, विशेषवाची विशेषवाची शब्द के, वाची मीन्स क्या होता है, बताने वाला, शब्द के विशेषवाची शब्द के साथ, शब्द के साथ क्या हो, संख्या हो, शब्द के साथ संख्या वाची हो, क्या हो, संख्या वाची हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, ये क्या है, एक तरह से अपवाद ही है ना, क्योंकि जो संख्या होती है, संख्यावाची जो होता है वो कहाँ पर होता है, द्विगु समास में होता है, लेकिन ये ऐसा आ गया अव्ययी भाव समास में, इसे कहाँ पर रखा गया, अव्ययी भाव समास में रखा गया ना। जो नदी विशेष शब्द के साथ संख्यावाची हो, यानी कि जहाँ पर नदी बतलाई जाएगी और वो क्या हो, विशेष हो, नदी कैसी होनी चाहिए, विशेष हो, नदी होनी चाहिए, तो वहां पर हमारा क्या होगा, वहां पर हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, जैसे पंचगंगम ना, पंच गंगम लिखे हम, पंच गंगम, ठीक, पंच गंगम, तो पंच गंगम क्या क्या होगा, पंचाणाम क्या होगा, पंचाणाम गंगा नाम, गंगा राम समाहार है। क्या होगा, हमारा समाहार है ना, समाहार है, समाहारम रहेगा, विभक्तियां भी देखनी पड़ती है ना, समाहारम क्या है, पंच गंगम, पंचाणाम गंगा नाम समाहार है, यानी कि पांच गंगा का
समाहार, गंगा क्या है? नदी है ना, तो पांच गंगा का समाहार क्या होगा वहां पर? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे द्वि यमुनम, क्या है? द्वि है यमुनम ना, यहाँ पर क्या होगा? द्वि यमुनम ने, यहाँ पर होगा द्वि यमुनम, तो हमारा होगा द्वा, द्वियो है यमुना, यमुनो है नो समाहार है, क्या है? समाहार है, द्वयो यमुनो समाहार है, यानी कि दो यमुना का समाहार। ठीक, आ जाएगा क्या? द्वि गंगम, द्वि नद्यम ना, तो यानी कि दो नदियों का समाहार। यहाँ पर द्वय संख्यावाची हो रहा है, लेकिन नदी आने की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो रहा है। ठीक, इसके बाद जो हमारा अगला नियम है उसको हम देख लें। क्या है कि आप लोग नोट करते जाइएगा, जो हम बता रहे हैं, हमारे लिखते, जो हम लिखते वक्त लिख रहे हो वहाँ, उसको क्या करें आप लोग, लिखते जाएं। ठीक, अगला हमारा तीसरा नियम है अव्ययी भाव सर, अव्ययी भाव, तीसरा नियम हमारा क्या है? अगला अव्ययी भाव समास का अव्ययी भाव सर शरत प्र प्रभि, प्रभि तिब्य है ना, क्या है? प्रभि तिब्य, शरत प्रतिभ्य है ना। इसमें क्या है? शरत जो ता का किसमें हो जाता है? दा में हो जाता है, अर्थात शरद यानी कि ऋतु संबंधित जहाँ पर पूछा जाए, कहाँ पर? जहाँ पर ऋतु संबंधित पूछा जाए वहाँ पर क्या होगा? हमारा अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा ऋतु? शरद ऋतु से संबंधित पूछा जाए। ठीक, इसकी परिभाषा है, परिभाषा परिभाषा देखो भाई, गलतियाँ होती रहती हैं। ठीक, परिभाषा है शरद आदि शब्दों से, क्या हो? शरद आदि शब्दों, शरद आदि शब्दों से अव्ययी, शरद आदि शब्दों से अव्ययी भाव समास के, यानी कि जो शरद आदि शब्द होंगे उसके अव्ययी भाव समास से समासंत, कौन सा? समा संत प्रत्यय, कैसा हो? समासंत प्रत्यय। ठीक, समासंत टच प्रत्यय, कौन सा रहे? टच प्रत्यय रहना चाहिए, समासंत टच प्रत्यय के योग से। ठीक, समासंत टच प्रत्यय के योग से होता है, कौन सा? अव्ययी भाव समास होता ठीक, यहाँ पर समासंत टच प्रत्यय दिया है। ठीक, जो शरद ऋतु है, शरद जो आदि शब्द होंगे उसमें क्या होगा? अव्ययी भाव समास से समासंत टच प्रत्यय के योग से होता है, जैसे उप शरदम ना, उदाहरण में है, उदाहरण
उदाहरण है उपसर्गम। ना उपसर्गम, इसका संधि विच्छेद होगा शरद है समीपम। ठीक, शरद है समीपम। ठीक, तो यहाँ पर क्या है जो हमारा उपशरद, उप का अर्थ किससे है, समीपता बतलाई जा रही है, और जो शरद आपका किसमें, यहाँ पर जो शरद दिया है आदि शब्द हो, ठीक, उसमें क्या हो, शरद आदि में हो, यानी कि पहले हो, और उसमें समासंत टच प्रत्यय के योग से क्या होता है, विभाव समास होता है। ठीक, अगला हमारा प्रत्यय है, ये सब क्या है, अव्ययी भाव के क्या होते हैं, ये एक रूप तो है कि इनके प्रकार हैं, अव्ययी भाव कितने प्रकार के हैं ना, लेकिन ये एक तरह से अपवाद होते हैं। कैसे होते हैं, अपवाद होते हैं ना। ठीक, अगला है हमारा, जैसे अपवाद का मतलब क्या है, एक आया था जो संख्यावाची होते हुए भी कहाँ पर है, आपके अव्ययी भाव समास में है, जैसे नदी विश्व ना, अरे क्या था, शरद प्रति प्रभृतिभ्य ना, शरद प्रतिभ्य। ठीक, अगला है हमारा अनश्य, तीसरा के बाद चौथा आएगा हमारा अनश्य, कौन सा, अनश्य समास, अनश्य अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक, तो अनश्य अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होगा, जिस अव्ययी भाव समास के, यानी कि जो अव्ययी भाव समास होगा उस समास के अंत में अन होता है, यानी कि अन क्या है, अन उस समास के अंत में होता है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा अनश्य अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, इसकी परिभाषा है परिभाषा है जिस समास के अंत में, जिस समास के अंत में अन क्या हो, अन होता है, अन प्रत्यय अन प्रत्यय होता है, यानी कि अन जो होता है अंत में क्या हो, अन हो, वहां पर अनंत अव्ययी भाव समास होगा, यानी कि अनश्य अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, स्पष्ट रूप से है, जिस अव्ययी समास के अंत में अन होता है, जिस अव्ययी भाव समास के अंत में अन होता है वहां पर क्या होगा, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, उदाहरण में है जैसे उपराजम, उदाहरण है उपराजम। ठीक, उपराजम क्या होगा, राज्ञ समीपम, विच्छेद क्या होगा, राज्ञ है समीपम, क्या होगा हमारा, राज्ञ समीपम, यानी राजा के समीप। ठीक, सब क्या है आपको इसमें स्पष्ट ही मिल रहा है सब की क्या, उप होगा यानी कि अव्यय होगा, एक ऐसा शब्द होगा जो क्या हो, अव्यय हो, जो खर्च ना हो ना, बाकी सब जो क्या है वो तो होंगे ही, लेकिन आपको हर पद में जहाँ पर आगे क्या हो, उपसर्ग लगा मिले और अव्यय लगा, ऐसा उपसर्ग हो, अव्यय हो, जो खर्च ना हो, निपात हो, जहाँ पर वहीं पर अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, अगला हमारा इसके बाद पांचवा आता है, ये तो
किताब में देने की वजह से हम इस चीज को बता दे रहे हैं, नहीं तो हम स्पष्ट यही बताते कि जिस समास में पूर्व पद क्या हो अव्यय हो, बाद में को उत्तर पद क्या हो संज्ञा सर्वनाम हो ना, वहाँ क्रिया हो तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा अधिकांशतः संज्ञा या सर्वनाम ही होता है, यहाँ पर संज्ञा होगा या सर्वनाम ही होगा, वहाँ पर हमारा अव्यय भाव समास होता है। ठीक, अगला है इसके बाद का, वहां पर भी यही बताया गया है जो ना नपुंसक अदंतरन श्याम है ना, नपुंसक क्या है, नपुंसक नपुंसक दंते तरस्याम क्या है, तरस्याम ठीक, हमारा क्या है नपुंसक दंते आदंते तरस्याम ना, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो हमारा बनेगा नपुंसक नपुंसक धन आदत्य ना आदित्यरस्याम ना क्या हो आदित्य, ठीक तो तोड़ने पर हमारा बनेगा नपुंसक आदित्यरस्याम, यहाँ पर रा भी रहेगा। ठीक, तो इसका कहने का मतलब है कि अंत में क्या हो, अंत में अन आए ना तदंतर उसके बाद अव्यय भाव समास हो तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा नपुंसक आदि होगा, जैसे हमारा है उपचरणम ना चरणम उपचरणम, तो हमारा बनेगा चर्मण समीपम ना उपचर्मण है या चरणम है तो उपचरण चरण है समीपम ना उपचर्मम उपचर्मम चरणम चरण मम समीपम। ठीक, जैसे इसमें बनेगा जो नपुंसक हो, यानी नपुंसक का मतलब क्या हो तीसरा जेंडर हो ना, स्त्री पुलिस क्या है स्त्रीलिंग पुलिंग और नपुंसक लिंग ना, पुलिंग कैसे लिखा जाता है मालूम होगा आपको ना, पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक, तो हमारा इसमें क्या है तीसरा है नपुंसक लिंग है, वहां पर क्या हो नपुंसक लिंग हो ना, तो वहां पर हमारा क्या होगा अव्यय भाव समास होगा, जैसे दिया है उप चर्मम ठीक उप चर्मम, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा हमारा चरमण है, क्या होगा चरमण है समीपम, चरमण है समीपम होगा। ठीक, इसी प्रकार रहते हैं सब अव्यय भाव समास में, अव्यय भाव समास का निचोड़ क्या है कि इसमें पूर्व पद अव्यय होगा निपात होगा जिसे कहते हैं, ठीक उपसर्ग ऐसा होगा कि जिसमें लिंग वचन कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, आप सिर्फ इसमें एक ही चीज याद रखिए, क्या हो पूर्व पद क्या हो कैसा होगा अव्यय होगा, यानी कि जो उपसर्ग लगा होगा वो अव्यय ही होगा, वहां पर हमारा अव्यय भाव समास होगा। ठीक, और दूसरा याद करेंगे आप जो गंगा है, जहाँ पर गंगा का समाहार हो यानी नदी विशेष नदियों का जहाँ पर समाहार हो बताया जाए वहाँ पर अव्यय भाव समास होगा। ठीक, तो दोस्तों हम मिलते हैं कल अगले दिन अगले समास के साथ। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।